वहां पे ना फिर से पानी पानी हो गया पूरा। वो रहे महेंद्र आ रहे हैं सब्जी लेके। जब गए थे बेचारे, इतना कम बारिश हो रहा था, अचानक से इतना बारिश हो गया। हमारे घर के सामने ही है सब्जी वाला शॉप, वो देख रहे, वहां से निकले, ये आ रहे हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग। आज है टाइम, अभी हो रहा है 12:30, गुड आफ्टरनून एक्चुअली हो गया है, लेकिन बहुत बारिश हो रही है, बहुत बहुत ज्यादा। कल रात से फिर से स्टार्ट हुआ है, बोल रहे हैं कि और 3-4 दिन तक वहाँ पे होगा। एंड ओडिशा से भी जो लोग हैं, मेरे मम्मी, मेरे ससुराल, मायका, दोनों एक ही जगह पे है, तो वहां पे भी होता है बहुत। कुछ कुछ नए लोग जुड़े हैं शायद, ऐसे कुछ कुछ सवाल होता है कि आपका घर कहाँ पे है, मायका कहाँ पे है, ससुराल कहाँ पे है, एक एक कभी कभी ऐसे ऐसे सवाल आता है। ये देख रहे हो मेरे को इतना ऑकवर्ड लग रहा है ना, अभी बात करते टाइम ये देख रहे हो डिस्कलरेशन आ गया है अभी यहाँ पे, अभी पूरा पता चल रहा है, पहले पहले स्टार्टिंग से पता नहीं चल रहा था। एक्चुअली मुझे 5th मंथ 4th मंथ से ना थोड़े थोड़े यहाँ पे डिस्कलरेशन स्टार्ट हुए थे, बट वो बहुत लाइट थे, बहुत मतलब पता नहीं चल रहा था कुछ भी। लेकिन मेरे को इसको आप कितना भी रगड़ के साफ कर लो वो नहीं होगा, आई थिंक वो डिलीवरी के बाद ही होगा, ये हॉर्मोन की वजह से हो जाता है। एंड ये पूरा देखो, यहाँ पे पूरा पता चलेगा आपको, ये वाला पोर्शन इतना रखी होगा, ये वाला यहाँ से ऐसे 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 पतला से होके ये वाला पोर्शन पूरा, एंड यहाँ पे ये वाला पोर्शन, एंड पीछे के साइड से ये ऐसा लग रहा है कि ये रीजन ना हाई ना रहा हो, पूरा मेला मेला हो गया, गीला ऐसे नहीं है। तो आज हम लोग बात करते हैं पी सेफ का रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स के बारे में। पी सेफ इंडिया का एक लीडिंग हाइजीन एंड वेलनेस ब्रांड है। पी सेफ के जितने भी पैड्स होते हैं सैनिटरी पैड्स, वो कॉटन फैब्रिक से बना हुआ होता है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट होता है एंड काफ़ी ब्रीदेबल फैब्रिक होता है, तो कि आपके पीरियड्स की जो साइकिल होता है उसको काफ़ी कम्फर्टेबल बना देता है। इसमें आपको 3 रेगुलर पैड्स मिलेंगे एंड इसमें आपको एक ओवरनाइट पैड मिलेगा। एंड पैड कुछ इस तरीके से आपको, ऐसे बटन जैसे होता है ना, उस तरीके से आपको इसको प्रेस करके कोई भी, अगर कभी भी आप लोग ट्रैवल कर सकते हो तो बहुत ही इजीली आपको इस तरीके का पाउच मिलेगा। ऐसे पाउच के अंदर लेके रख सकते हो, अगर आपने यूज भी करा हुआ है तो भी इसको हम, क्योंकि ये रीयूजेबल है तो आप इसके अंदर रख सकते हो, कोई भी मेस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि इसके जो फैब्रिक है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड आपके कोई इसी के लिए, ये कोई भी जैसे नॉर्मल प्लास्टिक पैड से थोड़ा सा इचिंग की इश्यू भी होती है, तो वो वाली इश्यू भी आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पैड का पीछे का लेयर है, ये काफी अच्छी तरीके से आपके पीरियड्स फ्लो को सोक करके रखता है। इसके जो विंग्स है यहाँ पे, ये अच्छी तरीके से बेंड भी हो जाता है। एंड यहाँ पे जो बटन्स भी दिए हैं, ये जैसे अच्छी तरीके से इसको लॉक करके भी रखता है, जैसे गिरना या फिर लीक हो जाना, इन सब की कोई भी टेंशन आपको नहीं रहती है। तो जैसे कि मैंने बोला, 2 साइज में आते हैं, ये इसका ओवरनाइट वाला है साइज एंड इसका ये रेगुलर पैड है, तो ये आपको रेगुलर पैड साइज में आएगा। ये आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो एंड ओवरनाइट के लिए, एंड या तो फिर आपकी हैवी फ्लो डेज के लिए भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम आएंगे। रही बात इसको कैसे यूज करना है, तो सबसे पहले जब भी आपको पैड की रिक्वायरमेंट होती है, डे टाइम के लिए आप इसका डे वाला पैड, रेगुलर पैड यूज कर सकते हैं, नाइट टाइम के लिए ओवरनाइट पैड जो होता है, एंड ये आपके हैवी फ्लो के लिए भी काम आएगा, क्योंकि इसके पीछे भी ऐसा लीकेज प्रूफ है, तो लीक का टेंशन भी नहीं है, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। वॉश करने के लिए, सिंपली यूज करने के बाद इसको सोक करना है, वॉश करके डायरेक्टली सनलाइट के अंदर नीचे आपको इसको ड्राई कर देना है, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। पी सेफ का ये रीयूजेबल सैनिटरी पैड्स को अगर ऑर्डर करना है, जो कि इको फ्रेंडली है, वॉशेबल है, रीयूजेबल है, इसको ऑर्डर करने के लिए इसका बाय लिंक नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मेरा कूपन कोड मोनालिशा10 जरूर यूज कर लीजिएगा, ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। और कोई भी डाउट होता है तो नीचे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, एंड आप सबके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए मैं जरूर कोशिश करूंगी। बहुत सारे लोगों का ये है, कुछ भी खाओगे ये खाओगे तो खट्टा, बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे कि तुमको खट्टा खाने का मन करता है, मीठा खाने का मन करता है, तीखा खाने का मन करता है। आई थिंक वो जेंडर प्रेडिक्ट करने के लिए वैसा हुआ होगा। माई के टाइम पे मैं बहुत करती थी कि ऐसा नहीं कि जानने के लिए क्या होगा या फिर क्या चाहिए, इसके लिए नहीं, एक्साइटमेंट होती है ना, अभी भी एक्साइटमेंट है मेरी, अब क्या होगा क्या होगा, लेट्स सी, गर्ल बेबी होगी, फिर बॉय बेबी क्या है, लेट्स सी, ये देखने के लिए ना एक होता है।
तो मैं भी बताती हूँ आपको कौन सा मैंने माही के टाइम पे क्या करा हुआ था। अभी बहुत लोग लिखते हैं कि कोई लिखते हैं कि आपको अच्छा आपको ये सिम्टम्स है, आपको बॉय होगा ये वाला सिम्टम्स, तो किसी ने बोला था देखिए कि मोना आपके पूरा गला वाला ऐसा हो गया है तो आपको बॉय होगा, पर माही के टाइम पे भी मेरे को था। किसी ने लिखा था उनके बॉय बेबी के टाइम पे वैसा हुआ था, लेकिन मेरे तो गर्ल बेबी के टाइम पे भी ये वाला आ गया था। सो और कोई सा भी एक सिम्टम्स था, एक मिनट, और एक सिम्टम्स भी था कि फेस ग्लो को लेके भी था। अभी मुझे को पता नहीं कि मेरा फेस ग्लो कर रहा है कि क्या कर रहा है, बट ये है कि पहले वाला जो बहुत खराब हो गया था वो सही हो गया। तो फेस ग्लो का भी ये है कि माही के टाइम पे मेरे को पता नहीं यार, फेस ग्लो का मेरे को इतना अंदाजा नहीं है कि क्या हुआ था। तो फेस ग्लो करता है तो लड़की होता है, फेस ग्लो नहीं करता तो लड़का होता है, ऐसे भी कुछ कुछ है ना, बहुत सारी चीजें हैं। इसको अगर फन वे में हम लोग लेते हैं, एक और वे मैं आपको बता दूं अच्छे से बैठ के, फन वे में अगर हम लोग लेते हैं ना तो बड़ा मजा आता है इसको, कि कोई कोई थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं ना कि नहीं हमको तो वही चाहिए, हमको तो यही चाहिए, तो थोड़ा मुश्किल होता है। फन वे में तो लेना चाहिए, एक्साइटमेंट आता है बहुत ज्यादा। कर आई हूँ गैस में, एंड हाँ एक और चीज़ मैं बोल रही थी ना कि मैं बताऊंगी बैठ कर आराम से, चाइनीज कैलेंडर ऐसा कुछ भी होता है या चाइनीज प्रेडिक्शन ऐसा कुछ होता है उससे भी पता चलता है बॉय गर्ल का। एंड एक और चीज़ भी होता है कि आपका ईडीडी ये सब कुछ, मदर्स का बर्थडे बर्थ डेट ऐसा कुछ कुछ काउंट करके भी कुछ कुछ, गूगल में बहुत सारे फर्स्ट माई के टाइम पे तो मैं बहुत ऐसे ही फ्री की बैठी हुई थी, कुछ काम नहीं होता था तो ये सारे मैं चेक करती थी, कुछ कुछ मैं गर्ल दिखाता था कुछ कुछ मैं बॉय दिखाता था। बड़ा एक्साइटमेंट लगता है मेरे को दिखने में, आई एम श्योर जो भी मतलब अभी जो भी एक्सपेक्ट कर रही है मम्मी उनको भी बड़ा एक्साइटमेंट होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे को इस टाइम भी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चलो देखते हैं। तो मैं टाइम नहीं मिलता एक्चुअली, तो मुझे वो चाइनीज़ कैलेंडर ये वो देखने का प्रेडिक्ट करने का उतना टाइम बिल्कुल नहीं हुआ था, बट ये सिम्टम्स में मुझे कभी कभी कमेंट में कोई कोई लिखते ना मुझे बड़ा मजा आता है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर मेरे साथ शेयर करना कि आपको क्या लगता है, ठीक है। जो जो मैं कुछ कुछ सिम्टम्स बताती हूँ आपको, कि कभी कोई मुझे पूछते मीठा, मैं बोली यार कभी कभी मीठा भी खाने का मन करता है, कभी कभी तीखा भी खाने का मन करता है, एंड और क्या है और भी कुछ कुछ है। तो वो सबसे जितना मैंने अब तक बताया आपको, आपको क्या लगता है बताना, ठीक है, मज़े करेंगे कमेंट सेक्शन में। आज टाइम हो रहा है 4:03 से हम दोनों बैठे हैं, माही कर रही है यहाँ पे ड्राइंग, माही बताएगी कंप्लीट करके, कल उसको मैंने बहुत बताती हूँ किया था। तो ये आज उसका नया कलर सेट ये वाला, आई थिंक उसको ये बर्थडे पे मिला था, मैंने सारे रख दिए थे, बहुत अच्छा है ये। पानी पानी, ओके चलो। दिस इज एक्वाटिक एनिमल्स, दिस इज जेलीफिश, दिस इज स्टारफिश, दिस इज शार्क, दिस इज फिश, दिस इज ऑल ट्रीज, and this is a sea, and there are so many waters here, and in the fish and in the sharks so many bubbles are coming in her mouth. Bye. पूरा दोपहर आज मेरा यहाँ पे सारे, सॉरी ये पूरा मेस है, मैंने मेडिसिंस वगैरह मंगवाए थे वही सब कुछ आएगा तो आ गया था। ये मेरा प्री नेटल जो है, ये मेरा फॉलिक एसिड है, बहुत लोगों ने पूछा था कौन सा फॉलिक एसिड, के बहुत सारे होते हैं। मैं माई के टाइम पे एक अलग ही फॉलिक एसिड कुछ खाती थी, आई थिंक मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद ये वाला नहीं खाती थी, तो इस बार प्री नेटल ऐसा कुछ है शायद वो नाम। एंड इतनी बारिश हो रही है ना, एक तो कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। कल एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम कितना भी बोले बच्चे सुनते नहीं है, कुछ भी करो कितना बोलो कितना कर लो उनको सुनते ही नहीं है, एक टाइम के बाद हमारा भी वो फ्रस्ट्रेशन निकल जाता है। कल मैंने माही के ऊपर बहुत गुस्सा कर लिया था बहुत ज़्यादा, एंड शाम के टाइम पे, एंड कल कुछ वीडियोस कुछ नहीं बनाया था। एंड माही जब सो गई थी मुझे इतना बुरा लगा, मैं इतनी रो रही थी आधी रात तक, बहुत रो रही थी, मतलब रोना आ रहा था उसको देख के, मैंने क्यों डांटा उसको पता नहीं, वो भी ना बहुत कल मेरे को इरिटेट, इवन एक एकदम पूरा जैसे बोलते ना कि आपका वो पॉइंट क्रॉस हो जाता है, जैसे सुबह उठते ही उसने स्टार्ट कर दिया मेरे को परेशान करना, उठते ही करते 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 जब वो शाम के मतलब रात के 7:30 बजे तक चला गया ना, मेरा और कंट्रोल रहा ही नहीं, मेरा फिर मेरे को बहुत बुरा लग रहा था बहुत ज़्यादा।
फिर आज ठीक है, अभी फिर पूरा लगा तो क्या करे, बट ऐसा हो जाता। फिर मेरे को, मैं सोच रही थी यार मैं इतनी जल्दी कैसे कंट्रोल मैंने लूज कर दिया, पेशेंस चला गया मेरा। बट ऐसा था जैसे बोलते ना कि बोलते जाओ, कब किसी किसी दिन बच्चे सुनते ही नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि उनको होता है कि जोर से डांट पड़े या फिर कभी कभी मार पड़े तब जाके वो लोग चुप रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत रेयर बट होता है कभी कभी। तो फिर आज मैंने बोला फिर माही सॉरी माही मैं नहीं करूंगी। तुषारी माही कल मम्मा ने गुस्सा करा नहीं, वो फिर वो अच्छी है, वो कभी नहीं बोलेगी मम्मा मेरे पे गुस्सा करती। किसी को भी मम्मी पूछेगी, मेरे पापा पूछेंगे मम्मा गुस्सा करती है, बोलो मैं डांटूंगी, नहीं, मम्मा कुछ नहीं करती, आप कुछ मत बोलो। ये बारिश होता है नहीं, माई का अपना डेरा यहाँ पे जमाने बैठ जाती है। अपने ये देखो बारिश क्या है यार, ये कल रात से इसी स्पीड से यहाँ पे हो रही है। अभी दिन के 4 बज रहे, शाम के 4। इनके ना पूरा कपड़े ऐसे भीगते रहते हैं, बट ये लोग लेते नहीं है, 2-3 दिन हो गया यार। बाबा रे सॉरी, बहुत जोर की फैन लगी, आवाज आएगी। टाइम हो रहा है रात के 1:30। मेरी हल्का सा नींद खुला, मुझे इतनी मतलब इतनी तीखा कुछ खाने का, स्पाइसी खाने की क्रेविंग हो रही थी ना। कुछ बना रही है मेरे में दिखाते, एक्चुअली मैं ही जा रही थी, बट मैं जब सो जाती हूँ ना फिर उठ के मेरे को बहुत टाइम लगता है कुछ एक्टिव होने के लिए, इवन सुबह एंड अभी भी। तो चलो मेरे को हंसी आ रही है, बहुत रेयर ऐसा होता है एक्चुअली, बहुत रेयर, बट चलो। टाइम अभी 1:45 के करीब हुआ होगा, मैं किचन में गई थी तो ये एक्चुअली रात के 3 बजे तक काम कर रहे थे। मुझे जैसे ही देखा बोलते तो क्यों क्यों आई हो, दूध गर्म करने के लिए क्या? मुझे बोल लेती, मैं बोले नहीं मुझे दूध पीने का अभी और मन नहीं है, मैं कुछ स्पाइसी बनाऊंगी। तो बोलते रहना तो चलो मैं बनाता हूँ स्पाइसी। मैं बोले यार रहना तो बेचारे इतना काम तो कर रहे, ऊपर से अभी क्या बनाना, बट पीस डाल के फिर थोड़ा सा पत्ता गोभी डाल के प्याज सब कुछ डाल के बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। किसी का कमेंट आया था कि मोना आप ना बड़े लक्की हो अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में, आप अपने हस्बैंड के पास हो, एंड मैं तो नहीं रही थी, मैं अपने मायके चली गई थी, किसी का कमेंट आया था। बट यस समवेयर मुझे भी लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ अब कुछ भी फील ऐसा नहीं हुआ है कि ज़रूरत पड़ा कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था। तो इस हिसाब से तो टच वुड भगवान ऐसे ही रखे आगे तक। एंड यहाँ पे पता है ये बहुत रेयर ऐसा होता है कि कभी कभी स्पाइसी खाने का मन कर लेता है। तो आपको क्या लगता है, कुछ कुछ जैसे मैं सिम्टम्स बता रही हूँ वो सारे सिम्टम्स है, आपको क्या लग रहा है बस ऐसा गेस करना कमेंट सेक्शन में, एक्साइटमेंट बढ़ेगी, मुझे ही बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, बॉय होगा गर्ल होगा। ठीक है, तो मिलता है एक और ब्लॉग के साथ, बाय।